नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नानक शाह की धरती खूंखार से बहुजन समाज पार्टी के 3 दिवसीय क्षेत्र भ्रमण शनुक्कड़ सभा की शुरुआत गुरुवार से हुई। इस मौके पर बसपा नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि मैं वर्तमान विधायक जैसा नहीं हूं जो बहुनाथपुर विधानसभा के नौजवानों को इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं ताहिर अंसारी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौ भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, मैं आज कितार प्रखंड के चेचरिया खोनहर बलीगढ़ गांव होते हुए अभी यहां नारायण वन मुकुंदपुर ग्राम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी 15 जनवरी को 60वां वर्ष हम लोगों ने मनाया और बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर कितार प्रखंड के विभिन्न गांव में हम लोग जा रहे हैं और यहां के जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और हम आशा करते हैं नए साल में बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर कि भवनाथपुर विधानसभा के साथ साथ पलामू लोकसभा जीतने के लिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मजबूती के साथ लग रहे हैं। आज के 2 माह पहले यानी 2018 में 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जुमलेबाजी वादा खिलाफी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों को जनता ने बदल दिया, क्योंकि ये जो वादा किए थे 2014 के चुनाव में, इनका जो मैनिफेस्टो था, इनका जो एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा था, उन एजेंडों पर इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने कहा था 2014 के चुनाव में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, विदेशी बैंकों से काला धन वापस ला करके हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे और पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविकाएँ और सहिया बहनों को अस्थाई करेंगे। अस्थाई करने के बजाय इनको ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो अपने मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनको सहानुभूतिपूर्वक सुनने के बजाय पारा टीचरों पर लाठियां चलाई जा रही है, गोलियों का जो है सब बौछार किया जा रहा है और जेल के शिकंजों में इन्हें डाला जा रहा है। आज लगातार आंदोलन हो रहा है झारखंड में, झारखंड की रघुवर सरकार स्थानीय नीति के नाम पर झारखंड के मूल वासियों और आदिवासियों को सस्ते दामों में जमीन लेने के लिए बड़े पूंजीपतियों को झारखंड में आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे नीतियों के खिलाफ में, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में, पारा टीचरों के खिलाफ में जो सरकार है, आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहिया बहनों के जो खिलाफ में सरकार है, ये वादा खिलाफी सरकार को आने वाला जो 2019 में लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, इसमें मुंहतोड़ जवाब बहुजन समाज पार्टी के लोग देंगे। और खास करके जब मैं केतार में हूँ और रामबाण की धरती पर, मुकुंदपुर के धरती पर मैं हूँ और यहीं से जन्म लेने वाला नौजवान संघर्ष मोर्चा है, ये घूस के बदले घूसा देने वाला आदमी आज अरबपति बन करके बैठ गया और यहाँ के लोगों को छलने का काम किया। शुरू मरतबा जब ये पार्टी बनाया था तब नौजवानों को जो है सत्ता में हिस्सेदारी देने का सपना दिखाया, नौजवानों को मूर्ख बनाया और अब किसानों को जो है से मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, ताकि अब किसान मूर्ख बने, लेकिन मेरे विधानसभा के लोग, केतार प्रखंड के लोग अब मूर्ख नहीं हैं, अब ये चलाक है, तेज हैं। अखबार है, मीडिया है, ये जो है से मोबाइल है, ये तमाम तरह के जो चीज़ें हैं वो लोग जानते हैं, अब इनको झांसा में आने वाले नहीं हैं। वो नौजवान झांसा में पहले आ गए थे लेकिन अब किसान झांसा में आने वाले नहीं हैं और इन्हें भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ का पैसा, भवनाथपुर का पैसा आपको सोन के उस पर जाता है, राफ्टर्सगंज जाता है,
दिल्ली के नोएडा में जाता है, रांची में बड़ा आलीशान मकान बनता है, यानी जनता का लूटा हुआ पैसा ये लूट करके आलीशान मकान बना रहे, अपने परिवारों को जो ऐसे बड़े कंपनी और पूंजीपतियों में तब्दील कर रहे हैं, इसे यहाँ की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है, यहाँ शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है, यहाँ जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, सड़कें ठीक ढंग से नहीं है, स्कूल बन गया, स्वास्थ्य भवन बन गया, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, इसके लिए यहाँ की जनता लगातार आंदोलन कर रही है। और हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आने वाला जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नौजवान संघर्ष मोर्चा यानी भानु प्रताप शाही को भी चुनाव हारने के लिए उनको तैयार हो जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता तैयारी कर चुकी है, अब बहुजन समाज के लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। इस मौके पर भाजपा के जिला सचिव राम भजन गुप्ता, सुदेश्वर राम, प्रखंड अध्यक्ष गौतम राम, बसंत कुमार वृंद, कामेश्वर दास, मुन्ना जायसवाल समेत कई लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।